चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं समरी राइटिंग, जिसकी आपकी डिमांड थी। अब समरी राइटिंग जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4B में आता है, और ये मैं बता दूं आपको सीन पैसेज में से नहीं आएगा, आपको अनसीन पैसेज के बेसिस पे आपको क्या समरी राइटिंग आएगा, कुछ 5 मार्क्स के लिए है आपके। अब सबसे पहली चीज, अब पैसेज में जो लाइन दिया रहेगा उसको सेम टू सेम आपको कॉपी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पैसेज में लाइन दिया और लंच से रिलेटेड, लंच में आपने क्या क्या खाया, जैसे दाल चावल, फिर उसके बाद चपाती, ये सारी चीजें दी गई है। अब आप क्या करोगे, अब उसको सेम एज इट इज कॉपी नहीं करोगे, आप सीधा एक स्टेटमेंट आपको छोटा लिखना है ना, आप क्या करोगे सीधा बताओ, आप आई हैड माई लंच, लंच में तो सारी चीजें आ गई, ठीक है। और पैसेज, फॉर एग्जाम्पल आपका पैसेज 10 लाइन का दिया गया है, 10 लाइन का, तो आपको जितना लाइन का पैसेज उसका 1/3 लिखना है। आप 3 से 4 लाइन में या फिर 5वीं लाइन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हो जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना, आपको क्या जो समरी है वो एक ही पैराग्राफ में, 3-4 पैराग्राफ में आपको उसको लिखना नहीं है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना है, जैसे एग्जाम्पल नहीं डालने खुद के, फिर ओपिनियन और व्यू भी अपना खुद का नहीं डालना है। फिर या एक चीज ये ध्यान रखना कि आप जब समरी लिख रहे हो तो समरी राइटिंग का टाइटल जरूर दे देना, टाइटल के लिए आपको 1 मार्क्स है, और साथ ही साथ उसी समरी का जो पैराग्राफ लिखो उसी में आप क्या थीम जो है पैसेज का वो भी इंक्लूड कर देना। अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसीन पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उन क्वेश्चन का आप आंसर लिखते हो, वही आंसर सेम एज इट इज के आप कॉपी कर देना समरी राइटिंग में, और एक टाइटल अच्छा सा दे देना, आपका समरी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, समझ में आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर हो सके दोस्तों।